आपको फिर से नए वीडियो में वेलकम है। इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, हमारा है 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, इसे हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, उतारते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है, दिया है 4x² - 2x + 1/4 = हमारा दिया है 0। और स्टूडेंट हमसे ये कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये सिंपल भी सॉल्व हो जाएगा, देखिए कैसे ये सॉल्व हो जा रहा है। तो 2x² इसको लिख देंगे -2x हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1/2² = 0। और देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, a² - 2ab + हमारा क्या हो जाएगा b², यानी ये फार्मूला हो जाएगा a - b² इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, 0 मान सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमको ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। तो ये तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, सूत्र से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका दोनों के बराबर 0 मानेंगे तो यानी आपका x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम इसको मान लेते हैं पहला वर्ग पद, इसको दुगुना पद मान लेते हैं, और इसको हम b² नहीं मान रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको कैसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले को हम लिख लेते हैं 2x² इसको 2x को वैसे ही लिख देते हैं +1/4 को वैसे ही लिख लेना = 0। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं पहला वर्ग पद, इसको दोगुना पद मान लेते हैं, यानी हमारा जो फार्मूला होता है आप जानते होंगे कि a - b² बराबर होता है a² - 2ab + क्या हो जाएगा b². तो यानी a² हमको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा b² 2ab हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, ये b² है स्टूडेंट, हमने आपको पहले ही बता दिया कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से हमें सॉल्व करना है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या प्रोसेस होता है। तो 2ab बराबर हमको दिया हुआ है, दोगुना पद कितना है 2x है, तो 2x लिख देते हैं, 2 × a की वैल्यू मेरे पास है 2x है, देखिए स्टूडेंट 2x हो गया, b = हमारा 2x हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, और ये b बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हमारा हो जाएगा 2, यानी 2 × इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है, जब पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाता है तो जो b की वैल्यू आता है उसी का स्क्वायर जोड़ लिया जाता है, एक बार घटा लिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि 1/2² जोड़ने तथा घटाने पर। तो देखिए कहाँ पे जोड़ा जाता है, कहाँ पे घटाया जाता है, जो दुगुना पद है वहीं पे पहले जोड़ा जाता है, उसके बाद से घटाया जाता है। देखिए कैसे स्टूडेंट, तो 2x² वैसे ही लिख दिए, -2x वैसे हो गया, यहाँ लिख लीजिए 1/2² -1/2² + 1/4 = हमारा 0 हो जाएगा। यानी एक बार हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ा है, एक बार क्या किया है, घटाया, ये प्रथम तीनों आपका मिलकर फार्मूला बन गया। देखिए 2x - 1/2² क्योंकि a² - 2ab + b² क्या होता है, हमारा a - b² होता है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/2 क्या हो जाएगा 4 और +1/4 = 0 हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, स्टूडेंट बचेगा 2x - 1/2² = 0 हो गया। और देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब इसी को दो बार लिख सकते हैं, यानी 2x - 1/2 और 2x - 1/2 हमारा क्या हो जाएगा 2 = हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2x - 1/2 बराबर भी 0 हो जाएगा और 2x - 1/2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, चूँकि यहाँ दोनों 0 के बराबर है, तीन अलग अलग 0 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 1/2, x बराबर हो जाएगा 1/2, और देखिए 2 है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी गुड़े क्या हो जाएगा 2, ये गुड़ा है इधर आया है तो भाग हुआ है, यानी x की वैल्यू हो गई 1/4। और देखिए सेम टू सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा x = 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10 का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।